स्टूडेंट्स, मैं वैशाली अग्रवाल फैश टू कोचिंग एंड कंसल्टेंसी की तरफ से आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एमटेक दैट इज मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एमई दैट इज मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम एंड एनवायरनमेंट स्पेशली फ्रॉम मध्य प्रदेश। ये प्रेजेंटेशन या ये वीडियो मैं स्पेशली इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं लोगों के जो मध्य प्रदेश एमपी में स्पेशली इंदौर से करना चाहते हैं मास्टर्स प्रोग्राम एनवायरनमेंट में एंड आर कंटिन्यूसली आस्किंग मी विच कॉलेज इज बेस्ट और वेयर वी हैव टू डू। सो आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो ऑन इट, तो इसीलिए वीडियो स्पेशली मैंने एमरजेंसी में बनाया है। सो हैव अ लुक ऑन इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर इसके पहले जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज को एंड तक देखिए। चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का एजेंडा जो इसमें मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाया है क्योंकि ये भी एक काफ़ी क्वेरी आ रही है कि हम एडमिशन कैसे लें, कौन सी एलिजिबिलिटी मतलब हम क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं कि नहीं एमटेक इन एनवायरनमेंट। तो मैं इसमें जब आगे बात करूंगी तो मैं एक इसमें इशू भी आप लोगों को बताऊंगी जो आ रहा है लोगों को एडमिशन लेने में, और कोर्स टाइप कौन से पार्ट टाइम है फुल टाइम है, कौन से कॉलेज फुल टाइम कोर्स ऑफर कर रहे हैं, कौन से कॉलेज पार्ट टाइम कोर्स ऑफर भी करते हैं, कॉलेजेस के नाम क्या है, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, गेट की एग्जाम कैसे देनी है क्या है, गेट कैंडिडेट्स नॉन गेट कैंडिडेट्स कौन उसमें एडमिशन ले सकता है, वर्किंग प्रोफेशनल्स और एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो ये सब समस्याओं का समाधान मैंने इस वीडियो में किया है, होप आपको पसंद आएगा। तो हम देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉलेज की लिस्ट से, राइट। तो सबसे पहले मैंने इसमें एनआईटीज लिया है, दैट इज मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनिट भोपाल, जिसे हम शॉर्ट में मैनिट कहते हैं। यहाँ पे देखिए आप एनवायरमेंट के चार कोर्सेज रन हो रहे हैं, सबसे ज्यादा कोर्सेज इसी कॉलेज में रन हो रहे हैं, एमटेक इन एनवायरमेंट इंजीनियरिंग जो कि फुल टाइम है, एमई इन वाटर रिसोर्सेज जो कि फुल टाइम है, और एमटेक इन हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग वो भी फुल टाइम है, और एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड पोल्यूशन अबेटमेंट ये भी फुल टाइम कोर्सेज। तो ये चार कोर्सेज हैं। अब हम देखते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो फर्स्ट कोर्स जो कि है एमटेक इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी हो, दैट इज बीई और बीटेक, किसमें सिविल केमिकल और एनवायरमेंट। देखिए नाउ हियर द प्रॉब्लम केम, राइट। जैसे कि मेरे पास जो मैं एचएससी प्रोफेशनल हूँ, राइट, तो आई हैव डन माय बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन फायर एंड सेफ्टी, राइट। तो ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है फायर टेक्नोलॉजी में, या फायर टेक्नोलॉजी इन सेफ्टी इंजीनियरिंग में, या फिर सेफ्टी एंड फायर टेक्नोलॉजी में, या फिर एचएससी में, या कुछ भी इससे रिलेटेड स्ट्रीम में। तो उनका एडमिशन कैसे होगा एनवायरनमेंट में? सपोज अगर वो इंडस्ट्री में जाते हैं, वो इंडस्ट्री में एनवायरनमेंट भी उनको हैंडल करना रहता है। यस, सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैज़ टू हैंडल एनवायरनमेंट ऑल्सो अप टू सम एक्सटेंट इन इंडस्ट्रीज। मतलब मैं बात करूँ, जैसे कि मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो जब मेरा इंडस्ट्रियल जॉब था तो वो एचएसई डिपार्टमेंट कहलाता था, राइट, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। तो हमें हाइजीन भी संभालना होता था, फायर भी, सेफ्टी भी और एनवायरनमेंट भी। तो एनवायरनमेंट हमने हमारे कोर्स में ज़्यादा नहीं पढ़ा था क्योंकि वो बीई फायर एंड सेफ्टी था। नाउ इफ आई वॉन्ट टू डू माई मास्टर्स इन एनवायरनमेंट, क्या मैं उसमें एडमिशन ले सकती हूँ? दिस इज द प्रॉब्लम कमिंग एवरीवेयर एंड आई गेट सेवरल कॉल्स कि हम कैसे एडमिशन लें एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। तो यस, ये रियली इशू है क्योंकि एनवायरमेंटल जो ब्रांच है वो स्पेशली सिविल डिपार्टमेंट के अंडर में आती है, तो उसके लिए बेसिक क्राइटेरिया एडमिशन के लिए बीटेक या बीई इन सिविल डाल रखा है। सिविल इंजीनियरिंग की अगर आप हैं तो आप इजीली एमटेक इन एनवायरमेंट में एडमिशन ले सकते हैं, पर अगर आप बीई या बीटेक फायर सेफ्टी में करे हुए हैं तो आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इनफैक्ट इफ वी गो फॉर आईआईटी रुड़की, IIT also offer a course in environmental, but वहाँ पे admission criteria में BTech और BE civil है, environment है, MTech in environment में, but fire safety का person environment में admission नहीं ले पा रहा है। So ये issue really एक बड़ा issue है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। या तो हम लोग ये matter को highlight करें कि eligibility criteria में changes आने चाहिए, fire safety के लोगों को भी environment course पढ़ाना चाहिए क्योंकि उन्हें practically वो सब चीज़ें संभालनी पड़ती है। और अगर हम सिलेबस पे गौर करेंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के एमटेक के सिलेबस या एमई के सिलेबस में, तो उसमें वाटर पोल्यूशन, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, सॉइल वगैरह यही सब चीज़ें पढ़ाई गई है जो कि प्रैक्टिकली हमें इंडस्ट्रीज में संभालनी होती है। वेस्ट मैनेजमेंट, हजार्डस वेस्ट मैपिंग, और उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन वगैरह, इन सब के एक्ट्स, उनकी जानकारी, अबेटमेंट। तो ये इंटीग्रेट करना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेंज करना चाहिए, इसमें एक चीज़ और ऐड करनी चाहिए, बीई बीटेक इन सिविल
केमिकल एनवायरनमेंट एंड फायरिंग सेफ्टी। तो इसीलिए वीडियो बनाया गया ताकि एटलीस्ट कहीं ध्यान जाए और इस पर काम हो, राइट। तो नेक्स्ट कोर्स है आई एम टेकिंग वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इसके लिए भी बीई बी टेक इन सिविल इंजीनियरिंग किया, एग्रीकल्चर भी चलेगा। नाउ आई एम टेकिंग हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग के लिए बीई बी टेक इन सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आई एम टेकिंग इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड पोल्यूशन अबेटमेंट फुल टाइम कोर्स जो है ये स्पेशली केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में रन हो रहा है, तो आई थिंक इसके लिए बीई बी टेक इन केमिकल इंजीनियरिंग ही काफी मतलब वही है बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, स्पेसिफिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा नहीं उसका, पर ये केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही आता है और इसमें स्ट्रिक्टली एडमिशन थ्रू गेट होता है, राइट। नॉन गेट कैंडिडेट्स के बारे में कुछ मुझे ज़्यादा जानकारी मिल नहीं पाई मेरिट के लिए, तो मैं उसमें डाल नहीं पाई हूँ, आगे के इसमें मैंने दिया है नॉन गेट कैंडिडेट्स को इंक्लूड किया है। अब है एस जी एस आई टी एस, दैट इज श्री गोविंद राम सेक्सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जो कि इंदौर में ही है, और यहाँ पर दो कोर्सेस है, फर्स्ट है एम टेक इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और एम ई इन वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, और ये दोनों फुल टाइम कोर्सेस है, एम टेक भी है और एम ई भी है। मैं यहाँ पे एक चीज और कहना चाहूंगी, जिन्होंने डिप्लोमा किया है या एडवांस डिप्लोमा किया है, राइट, एडवांस डिप्लोमा डिप्लोमा भी एम टेक और एम ई के लिए एलिजिबल नहीं है। एम टेक और एम ई के लिए आपका बी टेक या बी ई ही कंपल्सरीली अलाउड है, राइट। मतलब डिप्लोमा करे वाले लोग एडवांस डिप्लोमा कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं, इवन एमएससी भी कर सकते हैं, मास्टर्स ऑफ साइंस भी, पर एमई या एमटेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए कंपलसरीली बीई या बीटेक ही चाहिए। फिर इस कोर्स की रिक्वायरमेंट भी आप देख सकते हैं, बीई या बीटेक इन सिविल या केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए और दूसरे कोर्स के लिए सिविल इंजीनियरिंग चाहिए। और एडमिशन के लिए यहाँ पर बात करें तो गेट के थ्रू और नॉन गेट हो सकता है। अब ये क्या है गेट नॉन गेट बीई बीटेक मेरिट मार्क्स, देखिए एडमिशन की मैंने इसमें आगे स्लाइड्स ली है, कॉलेज की लिस्ट के बाद एडमिशन प्रोसेस ही लिया है, तो मैं तभी क्लियर करूंगी, पर मैं जरा हिंट यहाँ पे दे देती हूँ थोड़ा। जैसे कि गेट की एग्जाम कंपलसरी देनी चाहिए एमटेक और एमई के लिए, वो एडमिशन उसका मतलब कह सकते हैं। जैसे कि हम बात करें इंजीनियरिंग करने के लिए आईआईटी जेई का एग्जाम कंपलसरी देना पड़ता है, उसके स्कोर्स के बेसिस, कोर्स की काउंसलिंग के बेसिस पे एडमिशन होता है। सिमिलरली आपको मास्टर्स करना है तो आपको गेट देना पड़ेगा, तो गेट देने के बाद उसका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, फिर उसकी भी काउंसलिंग होती है, उस काउंसलिंग में कॉलेजेस मिल जाते हैं कैंडिडेट स्कूल की एलिजिबिलिटी और उनके मार्क्स के हिसाब से, मेरिट मार्क्स के हिसाब से। लेकिन होता क्या है कि गेट की एग्जाम देने के बाद और कॉलेजेस होने के बाद भी सीट्स बच जाती है, तो वो जो सीट्स बच जाती है ना, वो फिर बची हुई सीट्स नॉन गेट कैंडिडेट्स को मिलती है, मतलब जिन्होंने गेट की एग्जाम नहीं दी है। नॉन गेट कैंडिडेट्स तभी अपेयर हो सकते हैं जब बीई बीटेक के उनके मार्क्स मिनिमम 50% हो, क्योंकि 50% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसका अपेयर होने के लिए भी, और उसके बाद डिपेंड करता है काउंसलिंग में आपको कौन सा कॉलेज मिलता है, कौन से कॉलेज की सीट फ्री है और आप जो है वो लेना चाहते हैं किन कोर्स उस कॉलेज में। उसके बाद वो काउंसलिंग में जो पैनल बैठता है वो डिसाइड करता है कि एडमिशन किसको देना है किसको नहीं, और उस हिसाब से ये काम होता है, राइट। तो यहाँ पे जो है हमारा मार्जिन आ सकता है, सपोज ये काउंसलिंग में अगर हम जाके अपनी बात रखें कि वी वांट वी आर एचएससी प्रोफेशनल्स एंड वी आर आल्सो एलिजिबल फॉर दिस एमई तो या एमटेक प्रोग्राम, तो शायद हमारी बात ना सुनी जाए और हम कर सकते हैं ये चीज। तो इस तरह से हम एक बार ट्राई कर सकते हैं, हम इसमें आगे देखते हैं। डीएवी दैट इज देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, यहाँ पर भी है एमटेक इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग फुल टाइम। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, इंदौर में अकेला कॉलेज है डीवीवी विश्वविद्यालय जो कि पार्ट टाइम में एमटेक आपको देता है, यस पार्ट टाइम एमई एमटेक प्रोग्राम्स चलाता है डीवीवी यूनिवर्सिटी, और मैंने खुद ने अपना पार्ट टाइम प्रोग्राम इनसे करा है। पार्ट टाइम में 3 इयर्स का डिग्री होता है और उसके अलावा आपको इवनिंग में क्लासेस रहती है, मतलब आप आपके जॉब के साथ में रह के कर सकते हैं, आपको शाम को क्लास जाना रहता है, लेकिन उसके लिए भी फिर आपको इस सिटी में रहना पड़ेगा क्योंकि कंडीशन है इन लोगों की कि आप जहाँ पे भी मतलब आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो जगह और आपके काम की जगह 50 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पर ना हो, ये प्रैक्टिकली कंडीशन रहती है इन लोगों की। तो आपको फिर अगर आपको यहाँ से करना है तो आपको फिर इंदौर में ही रह के जॉब करना पड़ेगा आसपास के एरिया में, और फिर आपको कॉलेज भी आना पड़ेगा, अटेंडेंस यहाँ भी कंपलसरी, लेकिन इवनिंग क्लास है तो आप अपना ऑफिस और इंडस्ट्री का वर्किंग इस हिसाब से एडजस्ट बिठा सकते हैं। लेकिन पार्ट टाइम में इनके पास भी एनवायरमेंटल प्रोग्राम नहीं है, यहाँ हाँ एमटेक इन एनर्जी जरूर है जो कि पार्ट टाइम में है या वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, मतलब ये दो तरह की चीजें अलाउ करते हैं, एक एमटेक इन पार्ट टाइम और एक एमटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स जो कि 2 इयर्स का ही कोर्स है, लेकिन वो एनर्जी मैनेजमेंट में है एनवायरमेंट में नहीं है, तो मैंने उसको यहाँ इंक्लूड नहीं करा है। अब एमटेक इन एनवायरमेंटल के लिए वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीटेक और बीई इन सिविल या फिर और कोर्स रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट बाय एआईसीटी,
ये जो चीज एक लाइन लिखी है, कोर्स रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट बाय AICTE, मतलब ये कि सिविल के अलावा के कोर्सेज भी चल जाएंगे लेकिन वो AICTE से रिकॉग्नाइज्ड, जो दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो ये जो एक लाइन लिखी हुई है, ये हमें मार्जिन देती है थोड़ा सा ये सोचने के लिए कि हाँ हम भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने मतलब कुछ सिविल के अलावा कुछ और ब्रांचेस में बीई बीटेक किया है उन्हें भी अलाउ किया जा सकता है, बशर्त वो कोर्स AICTE का अप्रूव कोर्स हो। तो नॉर्मली जो हमारे इंजीनियरिंग कोर्सेस होते हैं वो AICTE अप्रूव्ड होते हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस के UGC अप्रूव्ड होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं। तो UGC अप्रूव्ड कॉलेजेस से जिन्होंने बीई बीटेक किया है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे, लेकिन AICTE अप्रूव्ड कॉलेजेस से जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है वो इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। वैसे मैं आपको यहाँ बता दूं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मोर देन 90% कॉलेजेस आर AICTE अप्रूव्ड। सिर्फ कुछ ही है जो UGC अप्रूव्ड है, और वो भी आगे ना पीछे AICTE अप्रूवल ले लेते हैं, क्योंकि मार्केट में जो है, इंडस्ट्री में जो वो लोग जाते हैं, जॉब होते हैं, तो AICTE अप्रूव्ड मांगा जाता है, तो अल्टीमेटली दे ऑल्सो हैव टू टेक AICTE अप्रूवल्स। और ये मैंने देखा अपने इसमें कि एक कॉलेज था वो UGC अप्रूव्ड था, तो फिर वहाँ के स्टूडेंट्स ने बहुत फोर्स करा कुछ तो भी मतलब मैनेजमेंट को, तो फिर उन्होंने फिर AICTE अप्रूवल भी लिया। इसमें एडमिशन होता है गेट के थ्रू, नॉन गेट के थ्रू, और आपके बी बीटेक के मेरिट मार्क्स के थ्रू। सेम प्रोसेस है, गेट की काउंसलिंग की सीट्स फ्री जो बचती है गेट की काउंसलिंग के बाद वो नॉन गेट कैंडिडेट्स को दी जाती है। फिर अगला कॉलेज है सती विदिशा, दैट इज सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। यहाँ पर ME इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है जो कि फुल टाइम में है, और इसके भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यही है, सिविल में BE या BTech चाहिए या फिर एनी कोर्स रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट बाय AICTE। और एडमिशन प्रोसेस वही है, गेट नॉन गेट BE BTech मेरिट मार्क्स के बेसिस पे। अगला कॉलेज है जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसे हम JEC कहते हैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर भी कह देते हैं। तो ये एक ही कॉलेज के नाम है। यहाँ पर भी ME इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, वो भी फुल टाइम। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही BE BTech इन सिविल और एनी कोर्स रिकॉग्नाइज्ड और इक्विवेलेंट बाय AICTE। और एडमिशन की सेम प्रोसेस है, गेट नॉन गेट BE BTech मेरिट मार्क्स। फिर श्री राम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जबलपुर, ये जबलपुर के दूसरा इंस्टीट्यूट है, इसको शॉर्ट में SRGI भी बोलते हैं या हम सरगी बोल सकते हैं। एमटेक इन एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग होता है, फुल टाइम है जो कि, और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है BE और BTech डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। राइट, BE और BTech चाहिए इनको किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इन्होंने यहाँ ये क्लियर नहीं करा है कि BE या BTech इन सिविल चाहिए, कंपल्शन नहीं लगाया है, तो एक यहाँ भी हमारे पास मार्जिन आता है जहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने AICTE भी क्लियर नहीं लिखा है, तो UGC और AICTE वाले कॉलेजेस के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन वही गेट नॉन गेट। उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसको UEC बोला जाता है, या फिर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन, जो भी नाम से आप इसे पहचानते हो, यहाँ पर एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मतलब केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एमटेक है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन में, तो ये फुल टाइम कोर्स है। इसकी एलिजिबिलिटी है केमिकल इंजीनियरिंग और इट्स अलाइड ब्रांचेस में BE या BTech होना चाहिए। अभी अलाइड ब्रांचेस दिया है तो यहाँ भी मतलब दूसरी ब्रांचेस चल जाएगी, लेकिन वो रिलेटेड होना चाहिए केमिकल से। तो एडमिशन वही गेट और नॉन गेट कैंडिडेट्स का हो सकता है इसमें। अभी इसके बाद जो है, मैंने गवर्नमेंट प्राइवेट डिस्टेंस एमटेक कॉलेजेस इन मध्य प्रदेश, एक्चुअली डिस्टेंस एमटेक करके कुछ होता नहीं है, वो इंटरनेट पे से इसी नाम से निकला है। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, आप गवर्नमेंट कॉलेजेस हो सकते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हो सकते हैं, डिस्टेंस एमटेक कॉलेजेस लिखा है, लेकिन डिस्टेंस में कभी भी एमटेक या ME नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कि यू कैन नॉट गो फॉर दिस प्रोग्राम्स इन डिस्टेंस एजुकेशन, और बकायदा मेरे कुछ और वीडियोस भी है उसमें भी मैंने बताया है इसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी शेयर किया है, क्योंकि ये कोर्सेज में जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स लगती है, लेबोरेटरीज लगती है, वो आप डिस्टेंस में कैसे करवा सकते हैं। तो इसलिए ये टेक्निकल कोर्सेज को पार्ट टाइम और फुल टाइम की परमिशन है, डिस्टेंस की परमिशन नहीं है। अगर कोई कॉलेज आपको ये कहता है कि वो डिस्टेंस में आपको एमटेक और ME करवा देगा, तो आप समझिए वो कॉलेज या तो जेन्यून नहीं है। राइट, क्योंकि AICTE ने, सुप्रीम कोर्ट ने, किसी ने भी इसकी परमिशन नहीं दी। तो ये इंस्टीट्यूशंस के नेम हैं और इनके फी स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं, थोड़ा ये ईयरली फी स्ट्रक्चर है। IIT का करीब 1,36,900 पड़ता है ईयरली फी स्ट्रक्चर। MIT का पड़ता है 1,04,000 समथिंग।
फिर आईटी ग्वालियर का 3,60,000, फिर एलएनसीटी भोपाल का 1,24,000। आप देख सकते हैं कुछ किसी का 1 लाख की लाइन में जा रहा है, किसी का 2 लाख की लाइन में जा रहा है। तो ये उनकी फीस स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये आप देख सकते हैं। फिर और आगे दे रखे हैं कुछ मैंने कॉलेजेस, लाइक हम डीवीवी की बात करें तो इसका 89,000 है अभी, 89,122 समथिंग। फिर यूईसी उज्जैन की बात करें तो 43,000 है फीस। ये राजीव गांधी विश्वविद्यालय यूआईटी भोपाल की फीस 1,22,000 है। तो ये आप देख सकते हैं, ये काफी चीजों की दे रखी है इसमें। एडमिशन प्रोसेस की हम बात करें, अब एडमिशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हमने कर ली, कॉलेजेस की बात कर ली, फीस स्ट्रक्चर की बात कर ली, अब आते हैं हम एडमिशन प्रोसेस पे। तो एडमिशन प्रोसेस क्या करते हैं, अगर आप एमपी के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो उसको एमपी एमटेक बोल दिया जाता है, राइट। एमपी एमटेक एडमिशन बोलते हैं, मध्य प्रदेश मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी एडमिशन। तो डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन डीटीई ने जो है एमपी एमटेक के एडमिशंस जो है गेट और नॉन गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स दोनों के लिए रख रखे हैं, राइट। मतलब गेट वाले भी जा सकते हैं और जिन्होंने गेट नहीं दिया है नॉन गेट वो भी जा सकते हैं, बट ऑफकोर्स वो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, ठीक है। कैंडिडेट्स को रजिस्टर करवाना पड़ेगा एमपी एमटेक के एडमिशन के पोर्टल पे ऑनलाइन मोड में लास्ट डेट के पहले, उसके बाद गेट देनी रहती है जो गेट के थ्रू जा रहे हैं। गेट क्या है, दैट इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, दैट इज कॉल्ड गेट। और ये आईआईटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मिलके जॉइंटली कंडक्ट करवाते हैं एग्जाम, इसलिए इसके जो स्कोर्स है ऑल ओवर इंडिया वैलिड माने जाते हैं। तो गेट एग्जाम साल में एक ही बार होता है और उसके स्कोर जो है 3 साल तक वैलिड रहते हैं, और स्टूडेंट जो है वो कितनी भी बार एग्जाम में बैठ सकता है, अपियर हो सकता है गेट की, कोई इसमें ऐसा फिक्स नहीं है कि आप इससे ज्यादा बार नहीं दे सकते। मतलब आपने गेट एग्जाम दिया, आपका गेट का स्कोर कार्ड आया, वो आप 3 साल तक उस गेट स्कोर कार्ड को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और देर इज नो एज लिमिट फॉर गिविंग द गेट एग्जाम। और अगर हम बात करें 2022 ईयर की, इस साल की, तो गेट फरवरी मंथ में कंडक्ट हुआ था, नॉर्मली इसी मंथ में गेट कंडक्ट होता है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं एमपी एमटेक के एडमिशन के लिए, कैंडिडेट की इंडियन नेशनलिटी होना चाहिए, उसका ग्रेजुएशन मिनिमम 50% मार्क्स से कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, एससी एसटी ओबीसी और क्रीमी लेयर को काफी छूटें दी हुई है, उसमें 45% ग्रेजुएशन के लिए कंपलसरी है, और बैचलर डिग्री जो भी है वो 4 इयर्स के मिनिमम होना चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट हैव ऑब्टेंड द रिक्वायर्ड गेट स्कोर कार्ड इफ अप्लाइंग, अगर गेट के थ्रू अप्लाई करना तो गेट का स्कोर कार्ड उसके पास होना चाहिए। और कुछ कई बार क्या होता है, फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन फाइनल ईयर में होते स्टूडेंट्स तो भी गेट में अपेयर होते, लाइक बीटेक के फाइनल ईयर में है, बीई के फाइनल ईयर में है, तो वो प्रोविजनल बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ पास्ट मार्कशीट प्रोवाइड करना पड़ेगा काउंसलिंग के टाइम पे, राइट। या तो प्रोविजनल डिग्री उनको देनी पड़ेगी या फिर कुछ तो भी मतलब उन्हें देना पड़ेगा ताकि वो क्लियर हो। हाँ, फाइनल ईयर में अगर आप है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर प्रोसेसिंग की बात करते हैं, अभी जाके प्रोसेसिंग में तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे पहले पोर्टल पर जाके, फिर उसका फॉर्म भरेंगे, फिर एग्जाम देंगे गेट के, फिर रिजल्ट डिक्लेयर होगा, फिर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी जो कि गेट कैंडिडेट्स के लिए होगी। अब इस काउंसलिंग में जो गेट दिए हुए हैं उनको प्रेफरेंस मिलेगा, उसमें भी जो हाईएस्ट स्कोर होगा उसको अपनी पसंद का कॉलेज पसंद का कोर्स मिलेगा। उसके बाद काउंसलिंग के बाद भी सीट्स बच जाती हैं, तो बचती सीट्स जो हैं उनको फिर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में कवर किया जाता है, उसमें नॉन गेट कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है जिन्होंने गेट नहीं दिया है, अगेन फिर उनके बी बी टेक के जो मेरिट मार्क्स है जिनके ज़्यादा स्कोर है, फिर वो काउंसलिंग पैनल होता है और काउंसलिंग पैनल ही डिसीजन लेता है कि क्या है, उस राउंड में आपको अपने पसंद का कॉलेज मिल सकता है। और एडमिशन जो है फुल टाइम पार्ट टाइम कोर्सेज में होते हैं, फुल टाइम 2 इयर्स का होता है, पार्ट टाइम 3 इयर्स का होता है। अभी मैंने एक और नया कोर्स देखा है जो कि डीवीवी रन कर रहा है, डीवीवी इंदौर, दैट इज फुल टाइम मास्टर्स प्रोग्राम फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, वो भी 2 इयर्स वाले हैं, तो वो भी आप एक बार देख सकते। ये था मेरा आज का वीडियो, होप आपको ये पसंद आया होगा जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें कवर करी हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स आ रही है मुझे कॉल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू, मैं उस पर काम करके आपको अच्छे से वीडियोस दे पाऊँ और आपकी क्वेरीज का मैं कर पाऊँ। ये स्पेशली ऑन पीपल्स डिमांड मैंने ये वाला वीडियो शूट किया है और काफ़ी अर्जेंसी में शूट किया है, तो होप आपको ये पसंद आएगा। एमटेक इन एनवायरमेंट फ्रॉम मध्य प्रदेश, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें मैं एडवांस डिप्लोमा और डिप्लोमा इन एनवायरमेंट फ्रॉम मध्य प्रदेश कवर करूँगी। थैंक यू।